गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कल हमें भात देने के लिए बांदियों की जाना है। मेरे भतीजी की शादी है, बुआ के लड़के की लड़की की शादी है, तो ये भात में हम ये कपड़े देंगे जो भी हम। हाँ फ्रेंड्स, हम बांदियों की जा रहे हैं राजस्थान अलवर। मैं और भैया मैरिज में, हमारी भतीजी की शादी है और हम बैठ गए हैं अब गाड़ी में, अब निकल चुके हैं। किलोमीटर की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है और हम हाईवे पे हैं, सोना रोड पे। नू हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, तो ये नू में ये जाम मिला है हमें थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये राजगढ़ है। अभी रामगढ़ तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये राजगढ़ आ गया है। राजगढ़ में अब ये देखिए, वहाँ पर पहाड़ भी दिख रहा होगा, छोटा सा दिख रहा है लेकिन। हाँ राजगढ़ ही बोलेंगे इस जगह को। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहाड़ है सारा, दिख रहे हैं आप, ऐसे ही पूरा पहाड़ है वहाँ तक है सारा। मतलब ये देखिए, इधर भी दिखा दिया, ये पहाड़ है सारा सामने कर। अब ये देखिए, पहाड़ों से गिरा हुआ एरिया ये राजस्थान है। यहाँ पर चीते और शेर नॉर्मली पहाड़ों में घूमते रहते हैं, क्योंकि सरचका के जंगल भी एक थोड़ा आसपास ही पड़ते हैं, इसके आसपास ही पड़ते हैं, ये सारे पहाड़ी पहाड़ हैं। इसके पल्ली तरफ सरचका के जंगल है, सरचका का नाम सुना होगा, वहाँ पर हिरन मतलब हर टाइप का जानवर मिलता है वहाँ पर। रेलवे बोर्ड पर लिखा है, ये देखिए पहाड़ी पहाड़ हैं, पथरीले पहाड़ हैं सारे। दोनों तरफ यही चल रहे हैं, फ्रेंड्स ये दोनों तरफ छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, इसलिए हम गाड़ी धीरे चला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ज्यादा ज्यादा 100 की स्पीड में चला रहे हैं। क्या बोला तूने? ठीक है ना, ये हाईवे है इसलिए ये पहाड़ ही पहाड़ है। ये हमारी होम टाउन है और हमें जहाँ आके बड़ा ही सुकून मिलता है, काफी नेचुरल चीजें देखने को मिलती हैं, काफी अच्छा लगता है, फीलिंग भी अच्छी हो जाती है। खेती कहते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और खाली रोड हैं। फ्रेंड्स ये रेलवे लाइन है, देखिए मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, अभी नज़र पड़ी मेरी, ये रेलवे लाइन चलती है साथ में, मतलब यहाँ से ट्रेन भी जाती होगी, इतना चल रहा होगा ना, रोड के साथ में ट्रेन चलती है। लो जी आ गया बांदी, अब जहाँ के लिए निकले हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। बांदी कोई राजस्थान आगरा।
फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर फ्रेंड्स बांदीकुई में। ये फंक्शन का वेन्यू है, जगह जहाँ पर हमारा फंक्शन होगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये शादी का जो वेन्यू है, हमारा जो गार्डन है उसके सामने मंदिर है, और मंदिर में जो अभी गणेश जी की आरती हो रही है उसके घंटे की आवाज़ है, वो तो काफ़ी सुरीली अच्छी है लग रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुनिए आप भी। फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर सारी व्यवस्था ऐसी है, आप दोबारा से देख लीजिए। एक्चुअली क्या है कि अभी कोई है नहीं यहाँ पर, आज का आज चाक बात है, तो चाक पूजने गए हैं सब लेडीज़ वगैरह, लेडीज़ों का काम होता है, जेंट्स कम ही है, तो काफ़ी लोग ना होने की वजह से बिल्कुल ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। मैं भी अकेले ही बैठा हूँ यहाँ पर, और देखिए ठंड के मारे मुझे ये जैकेट पहननी पड़ी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, खुला मैदान है ना इसलिए ठंड लग रही है यहाँ पर, और ये थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे चाचा का लड़का है, वो मेरी बुआ का लड़का है, बिल्लू। बिल्लू काय करो भाई, ब्लॉग में आओगे आप लोग? भाई ये रहा जिंदगी भाई हो रही है। बिल्लू भाई अब कमजोर हो गया, पहले बहुत मोटा था। ये देखिए क्या बात है, ये हल्के होते जा रहे हैं, पता क्या खा रहे हैं आजकल। तो ये हम तीनों भाई हैं, और ये मेरे दादा का लड़का है, ये हर शादी में अकेला या दुकेला आता है, मतलब उसका हमारा एक भाई है, वो आज आया नहीं है। सही कह रहा है, सही कह रहा है, दाई अम्मा नाई, टैनी भाई ना आया, जोड़ी खराब हो गई आज। मैं कछु भी हो बैठ जा टैनी के घर पर, सीधो बैठ जा दाऊदपुर फाट। टैनी बैठ जा पोगो पी के देसी को तैयार। बोलो यार वो कमांडर है भाई मेरा, बोलो युद्ध के लिए पहले ही तैयार हो जाता नहीं, वैसे तो अकेला अच्छा भी नहीं लगता। उन्हीं के साथ अच्छा लगता। आज अलग सा लग रहा हूँ, अलग सा लग रहा है। फिर मेरे पास फोन करो बोलो भाई तो आना पड़ेगा, मैं आ जाऊंगा भाई। तो फ्रेंड्स अब सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, बात का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, अब आपको आगे की वीडियो यहाँ पर नजर आएगी, देखते रहिए। पीली जरूरत गर्मी तो हो, सुबह बुआ तो ना ही मेरी जो नहीं बोली मीर आ रही है, फिर मेरे बिकनी मीर आए से उड़ी हूँ सारी बच्चे सारी बिना ये कौन हो गई मेरे को मेरे को तो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये बात तो नया जा रहा है, बात बात का प्रोग्राम कर रहा है, मैंने दे दिया क्यों ना दी, कोई पहुँचे करे या वजह से मैंने दिया, मेरे को एक महीना बंद में रखना था आपको, यह चक्कर था भाई, एक महीना कोई देख अब पहले तू चलना, अब तू कितना दे रहे हैं? मैं रोज के काम फ्रेंड्स वहाँ पर बड़े मच्छर काट रहे थे, इसलिए गाड़ी में आके सोना पड़ा, नींद ही नहीं आ रही थी वहाँ पर।
तो फ्रेंड्स हम कड़ी कचौड़ी खाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर कड़ी कचौड़ी मिलती है, भैया और मैं दोनों कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। देखो बाबू सो रहा है छोटा सा। सो रहा है ये। यहाँ बांदीकुई की गली है, राजस्थान बांदीकुई। यहाँ से बालाजी मंदिर भी पास में पड़ता है, 70 किलोमीटर के आसपास है। देखो बेलपत्र का पेड़ भरा हुआ है, पूरा पूरा लदा हुआ है, पूरा की पूरा, पूरा की पूरा। फ्रेंड्स जब शादी होती थी यहाँ पर ऐसे आगे लिखवा दिया जाता है, सभी घरों के सामने लिखवाया जाता है जिसके घर में शादी है, इनविटेशन कार्ड। पहले ये हफ्ते थे, पहले छोटी ये भी होया करती पहले हमारे ये गणेश मंदिर है, ये पिक्चर हॉल हुआ करता था, इसको तब्दील करके ढाबा बना दिया गया है जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, दाल रोटी। दरवाजे देखिए कितने पुराने पुराने हैं। चल भाई फ्रेंड्स हम शादी में आए, लेकिन शादी वाला मॉल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। भैया वहाँ पर एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पर गद्दा डाल के सो रहे हैं और दिन के 11 बज रहे हैं, सुबह के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। कुछ लोग आ गए, वहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है वहाँ पर सामने। देखते हैं आगे की खबर मैं देता रहूँगा आपको। बाय फ्रेंड्स, ये भैया हैं और बुआ के लड़के हैं जो सो रहे हैं अभी, ये अभी सो रहे हैं। और तो फाइनली फ्रेंड मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने वाइट कमीज और ब्लू पैंट पहनी है। बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। और कल भी मैं यहीं बैठा था और आज भी, तो कल रात को मैं बैठा हुआ था वहीं पर हूँ मैं भी। कल भी यहाँ पर कोई भी नहीं था, रात के टाइम से आए, बारात तो शाम की है, पूरा दिन काटना थोड़ा भारी है। बारात भी आने वाली है, काफ़ी दूर जा रही है, आई थिंक 500-550 किलोमीटर दूर जा रही है। बोल भर्तरी बाबा की जय। फ्रेंड्स हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि बारात अभी शायद लेट आएगी। वैसे हम कल से रुके हुए हैं, बात देने का हमारा मेन काम था वो हमने दे दिया है, हमारा सारा काम मोस्टली हो चुका है। हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि जाने में भी 5 घंटे का सफ़र है, मिलते हैं रास्ते में। बांदीकुई आए हुए हैं राजस्थान में, यहाँ पर मूंगलियाँ बिकती हैं, यहाँ पर बुनी हुई मूंगलियाँ होती हैं, ये गर्म है इस टाइम, एकदम ताज़ी हैं।
और ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ये पैकिंग में मिलती है आधा किलो के। ये दुकान का नाम है के एंड जे के स्टोर, और आप लगा लो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर ये दुकान। ऐसे मूंगफली के हम यहीं से लेके जा रहे हैं काफ़ी सालों से, मतलब ये लगा लिए 20-30 साल से यहीं से लेके जाते हैं। आए बोल दो फ्रेंड्स, मैंने 3 किलो मूंगफली ली है घर के लिए, ठीक है, आधा किलो के पैकेट हैं, और ये भाई साहब ने दिए, और ये काफ़ी गर्म है, और ये मेरे भिवानी से भाई साहब आए हैं, ये भी लेके जा रहे हैं। भिवानी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, और गजक का भी होलसेल में काम होता है यहाँ पर, गजक भी काफ़ी वैरायटी की है, देसी घी और उसकी देसी घी और मावे की मिलती है, स्पेशल गजक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी मिलेगी हमारे पास, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसी कोई वो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। नहीं, इस चीज़ को मैं भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लोग भी खा रहे हैं, कम से कम आप ये लगा जी 30 साल से हमारे घर में आ रही है, 30 साल तो हो गए, और इनकी पुरानी दुकान है इसलिए हम इन्हीं से लेके जाते हैं, और ये हमारे भाई साहब भी यहीं से लेके जा रहे हैं। हर बार ही लेके जाते हैं, तो आप हर बार ही जब भी आते हैं यहाँ बच्चों के लिए, टेस्टी है। चलो फिर मिलते हैं दिल्ली पहुँच के। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से जा रहे हैं अब, ये हमारे राजू भाई हैं, ये भिवानी जा रहे हैं, इनको अलवर जाना है, अलवर से ये अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। ये मंडी है, थोड़ी ठंडी है, इसमें मतलब कस्टमर कम आते हैं, ट्रेन जा रही थी इसलिए अब गाड़ी रुकी हुई है, फटक खुलने वाला होगा जहाँ तक, अभी ट्रेन तो निकल चुकी है। सब चाय पीने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। दिशांत के पापा और बड़े पापा आ चुके हैं, गाड़ी से अपना सामान निकाल रहे हैं, ये लोग आ गए हैं, ये आ गए अपना सामान बोरी बिस्तर उठा के। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया, मेरे पापा आ चुके हैं, मेरे पापा आए हैं तो मैं कंबल लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा आए हैं। अंदर रख दो, इधर रख दो सोफे पे। फ्रेंड्स, जानवी भी आ गई अपने पापा। मैं आ गया माँ। आ गए मम्मी,
बोतल मिलाया हूँ खाली। इतनी मेहनत। बेबे राम राम। मैं चले जाऊँ पापा, कोई बात नहीं। सब ठीक है। बारात चढ़ गई। बारात तो चलेगी रात। लो तुम्हारे लिए मूंगफली लाया। बांदी हुई की स्पेशल मूंगफली है ये। 3 किलो लाया हूँ। 3 किलो जली हुई है ना? जली हुई नहीं है ये, ये ऐसी आती है। 3 किलो मूंगफली लाया हूँ, बड़ी टेस्टी होती है, फेमस है वहाँ पर। ये बंदा देखो फ्रेंड्स, नहीं मूंगफली के लिए फेमस है। हम लोग इसी से ला रहे हैं 25-25 साल से। पैकेट खोलेंगे आपको तब दिखाएंगे ये मूंगफली कैसी होती है। ये भी सामने से देखो, इसको आपको खा के भी दिखाएगा दीशू कि इसको कैसे खाते हैं। बाकी के पैकेट, एक ही पैकेट निकालियो, कहीं एकदम से निकालते हैं। ठीक है, मूंगफली ज़्यादा खाने से गैस भी बनती है ना। ठीक है, ठंडा मौसम भी है इसलिए लिमिटेड खाना है। ओके चलो। ये पापा देखो, पापा भी घर से आए थे, पार्टी में से आए थे पापा। तो पापा की बैटरी अभी डाउन हो रखी है, पापा भी थके हुए हैं इसलिए पापा सोने की एक्टिंग भी कर रहे हैं खड़े होकर ही कैमरे के सामने। पापा मुझे देख रहे हैं और अपने बॉडी लैंग्वेज से बता रहे कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे। आई थिंक हाँ, मम्मी का चूरमा बन चुका है, मतलब गुड़ बन गुड़दान।